प्रणाम प्रणाम गुरु जी लोग। ते भैया हा गइल बा उमंग अमन हो रहल बा मलम, जेने देखा बस बाहर ही बाहर बा। आ गइल बा बसंत, बसंत चलत बड़ा नू त आ गइल बा बसंत। अब बसंत पंचमी लेके आवेला माँ सरस्वती के पूजा का उत्सव। विद्या और संगीत के माँ सरस्वती से अटूट रिश्ता होला। तो भैया बतासा चाचा और बिग गंगा के तरफ से रउआ सबके बसंत पंचमी के बहुत 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 सारा शुभकामना और आप सब लोगन के हमार बहुत बहुत नमस्कार। अब बजी ढोलक, बजी हारमोनियम, नगाड़ा और खरताल और सुर ताल के साथ हाजिर बानी लेके भोजपुरिया खटी और गीत संगीत का सबसे बड़का दंगल बिरहा मुकाबला। ए भैया अब बिरहा मुकाबला में आज हमनी के मनावल जाए बसंत पंचमी के जश्न। तो चली इस जश्न का शुरुआत करल जाए अपन दोनों भैया के स्वागत के साथ, जिनकर मौजूदगी से हमनी के शो में चार चांद लग जाला। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश यादव जी। और हाँ, साथ ही साथ स्वागत कर लेवल जाओ बिरहा मुकाबला में उतरल अपन 16 महारथी लोग के, जिनके बीच भिड़े वाला बा बिरहा का खाटी दंगल। गुरुजी लोग बोली तू अपन हाल चल बतावा। हम तो जूहू चौपाटी पे दौड़नी है 2 दिन धकाधक। कितना वजन घटल? 8 किलो कम भइलो 2 दिन में। अरे कम ना होई, दौड़त रहनी, थक गई कि नरेल पानी भी तो 4 कुत्ता भाव भाव करता रहो, फिर भगनिया कुत्तवे दौड़ा दौड़ा के वजन कम कर देते हो हमार। जूहू पर लड़की मिली हसा कि ना? अरे भैया मिलनी है बहुत लड़की, तो पता ना मुहुआ में झाँक झाँक के का देखत रहनी दूसरा के। देखा तो लेसो कि बरस कैले हुआ कि ना? नहीं लड़की लड़का के मुहुआ में झाँक झाँक देखत रहला कुछ। अच्छा समझ में नहीं क्या आवत रहा है शादी वाला ख्याल का बा? ना ना एकदम हम एक्साइटेड हैं। ब्याह तो करो, निरव भाई बोल के गल हम आवत होई, लेकिन ऐसे ब्याह ना होई। तब गाना गावे के पड़ी। हम गाइब तो क्या गाइब ना बैठल हम मन से क्यों गाइबे करी? का बताइए भैया, मना भैया बसंत के बहार बा चारों तरफ, लेकिन हमारा तो यही लागत है कि बसंत में भी हमार ब्याह ना हुई। ये जो हमारे पार्टनर हमारा निरहु भैया कलर आलन की हीरोइन बजी है, हीरोइन आई बड़की खूबसूरत, लेकिन हीरोइन छोड़ी। अब आइले हीरोइन को फोटो नहीं खेली का हुई हमार, कुछ समझ में नहीं खेल। तो हीरोइन नेत्र आई तो कैसे आई? डांस करे के पड़ी। डांस तो हम करो, डांस करबो। हाँ डांस कैला के हीरोइन आई है भैया, तनी बजावता। बदरस कजरा चोरैलू, कौन फूलवा से खुशबू मंगैलू, कौन बदरस कजरा चोरैलू, कौन फूलवा से खुशबू मंगैलू। वे धनी किए हो धनी जी अच्छा छना बेला छगन दुनिया पागल कैले बा, किए हो धनी जी अच्छा छना बेला छगन दुनिया पागल कैले बा। दिल में बना ले बाड़ू तू घर हर जगह अब तया बेलू तू ही नजर, नैना चित चोर ऐसन असर कर गइल, तब से यावर दिल ही दीवाना भइल। बोली लागेला जैसे सुगनिया डाली बिंदिया त निंदिया ले भागल नथुनिया पागल कैले बा किए हो भनिया छछना वेला छगन नथुनिया पागल कैले बा। एकदम गुड़बा के बड़का हाँ बतासा मिल गई ना दुल्हाई आ गई यही से कहली हजा कि बिना नचले गौले ना हीरोइन मिली है। अरे भैया गजब बतौला जे के देखत रहनी सिनेमा में फौलाद सिनेमा इनके देखले रहनी आज सीधे सीधे सामने देखत आनी का खालू तू चुप रहा पहले हम तो देखा था नहीं है जब बहुत बड़ा बड़ा हस्ती लोग बैठल बड़े। सबसे पहले तो बिरहा के सुल्तान विजय यादव जी को अंजना सिंह का प्रणाम है और बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश जी को अंजना सिंह का प्रणाम है। लेकिन विजय यादव जी हमरा के दिनेश जी कहले रहलन कि जहाँ हम तोहरा के भेजा तानी मतलब यही जा हमरा खातिर बहुत सुंदर एकदम बॉडी बिल्डिंग और एकदम हैंडसम फिजिक वाला लड़का मिली लेकिन अहिजा तो हमरा के केहू लौकते नहीं कर। हेलो अंजना हाँ जी कबो कबो ऐसा होला कि चीज अपना पास में रहले एकदम नजदीक रहले ना लौके ना ना बात तो सही बा लेकिन प्रॉब्लम ये बा ना विजय जी कि हमार पास के नजरे कमजोर बा। तो सुनो अच्छा, हम बतावे तनी तनी अखिया खोला जौन लड़का के तलाश में रहुआ आइल बनी नु वो खूबसूरत लड़का हम ही वानी ही कहाँ से लड़का लग रहा बड़ा हा? देखे में तो कोनो मोटका साड़ अंकल जैसा लग रहा बड़ा खाल पियल हर को है बचपन से माई दूध घी खियौले बा तनी फैल रही भाभस माटी बा बाकी उम्र तोरा से 7-2 साल कम है बा वैसा है बा बताई हे मैडम जी काहे शरीर पे जाता नहीं दिल पे आई बहुत प्यारा दिल बा हमार कह तो निकाल के रख दी बहुत सेवा करब रहूँ हम गोड़ दबाइब आ हाथ पैर दबाइब तेल लगाइब आ खाना खियाइब कुछ करे ना दे दूल्हा ही बन जाई। बस करा हाँ। इतना सब कुछ करबा पहले हमार डिसीजन तो सुन ला हाँ। अभी हमरा के ई कुल सोचे में समझे में तोहरा बारे में विचार करे में टाइम न लागी हम तो तारा के समझ चुकल बानी बाकी बात खाली 50% कहनू हम पटल आई पटक के तो कहबा तो बस खाली समझ ली आ प्रोग्राम का बढ़ावत रही और फिर एक दूसरे को समझे जाई हुई में ठीक बा। हमार जो निरव भाई हमारा हमार पार्टनर हमारा पे बहुत बड़ जिम्मेदारी छोड़ के गइल बड़न और अब हमारा आपन जिम्मेदारी निभावे के बा त आपन उ महारथी लोग के बतावल जहतनी कि जेकरा सर पर सजी ताज उहे होई बिरहा मुकाबला के सरताज उनका खिताब और पगड़ी के साथ ही बिग गंगा की तरफ से मेरी पूरा 1 लाख रुपया का इनाम। और अब हमने के दर्शक लोग भी घर पे बैठ के इनाम जीत सकेले वैसे कि रउआ हर हफ्ता एपिसोड के बेस्ट बिरहा गायक के अनुमान लगाई और अगर आप लोगन का अनुमान हमारा जज लोगन से मेल कर गइलू तो रउआ मिली शानदार जानदार उपहार। तो भैया लोग दबा के देखत रही बिग गंगा। तब पिछला 3 एपिसोड में बिरहा के धाकड़दाव दिखावे के कारण देवालाल यादव ज्ञानी यादव और विशाल दुबे मुन्ना के हामनी के दोनों गुरु की तरफ से सुरक्षा कवच मिलल रहे जेकर इस्तेमाल एलिमिनेशन के खतरा से बचे खातिर कर सकलन। आज जश्न के चौथा और अंतिम हफ्ता और चुनौती गृह में पंकज पुजारी मीनाक्षी भारद्वाज सरोज सरगम और बुल्लू मस्ताना बड़न इनका में जेकर परफॉर्मेंस होकी बिजोड़ उनका मिली सुरक्षा कवच। पिछला 3 एपिसोड के दौरान बाहर महारथी अपन महारत दिखा चुकल बड़न। अपन दोनों भैया लोग से पूछल चाहब कि आज अंतिम 4 महारथी से उनका कैसन बिरहा गायकी का उम्मीद बा। बोली भैया जैसे जैसे समय बीत रहा बा जी भैया वैसे वैसे कलाकार लोग भी फार्म बा बहुत बढ़िया कला का प्रदर्शन कर रहा बा लोग। ये चारों जो कलाकार लोग बैठल बा ये लोग से बहुत उम्मीद बा बढ़िया लोग अपन कला के प्रस्तुति करी यही उम्मीद के साथ आगाज हुई। अंजना जी जी अब आज जेकर अंदाज हो कि खाटी बिरहा में हुई डंका बाजी। तरवा लोग देख रहा बानी भोजपुरिया खाड़ी गीत संगीत के सबसे बड़ा मुकाबला बिरहा मुकाबला। यस। तई आज बिरहा के अखाड़ा में सबसे पहले केकरा उतारे जा रहा बानी? बिरहा के क्षेत्र में ये ऐसा नामे है सबसे पहले सिनेमा के पर्दा पर बिरहा लेके लोग उतरल है स्वर्गीय हमार गुरुजी रामदेव यादव बुल्लू यादव। अब बुल्लू नाम रखल बा इनकर माई बाबू रखले बा, इनसे बड़ा उम्मीद भी बा। नाम बुल्लू मस्ताना है, कैमूर बिहार से आयल बा। आज इन्हीं के सुनल जा। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं कैमूर बिहार के बुल्लू मस्तान जी का। भगवान स्वरूप ब्रह्मा विष्णु के पावन चरणों में नमन प्रणाम करते हैं। महेश के रूप में हमारे बतासा चाचा टीवी पे देखने वाला सब भैया बाबू लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। गीत का शुरुआत बा। हाँ सब ही के विधना लिखे दोस्तों भेष बदले जहां में घूमते दर बदर कोई जाना नहीं कब कैसे मिले कर्म की लेखनी तो बनी है प्रखरी। बाबूजी दुनिया में माई बाबू पैदा तो जरूर कर दिले लेकिन कर्म करे वाला कोई और होला, करावे वाला कोई और होला। एक लाइन भाव बदलत मास्टर साहब। अरे बात बा पुरानी कर्म अरे रेखा के कहानिया रहे टूटही मरैया नदी तीर पंडित पंडिताइन साथे हे बाबू शारदा कुमरिया बेटी देखी उठे ही अपीर। एक कहानी बाबू पंडित पंडिताइन के साथ में एक छोटी बिटिया जो ने का नाम शारदा बतावल गई। धीरे धीरे जवान भइल गरीबी सर पर हो। एक दिन माई के आंख में आंसू आल कि हमार बिटिया जवान हो गई कैसे बियाह करी पास में पैसा ना हो। एक दिन पंडित जी से वो बात करनी बिरहा में बड़ा रंग रूप तरज लगल मास्टर साहब। कोनो दुलही का दुल्हा अपने दुलही के पीछे ही से आके भौर अखबारी में धो लेलस आ दुलही कहलस ए जी हमके छोड़ी ना। का कहे? अरे बनने वाली बाड़ी हम त माइये राजा जी बनने वाली बाड़ी हम त माइये राजा जी बनने वाली बाड़ी हम त माइये राजा जी। खाया दुलही दूध दूगो बोझना ढवाइये राजा जी दूध दूगो बोझना ढवाइये राजा जी बहने वाली बाड़ी हम त माई। लेकिन पंडिताइन आंख में आंसू लेके अपने सैया से एक आधी रात में कहली अरे कहे पंडिताइन समझाइए राजा जी। एक दिन पंडित के बुलाइए राजा जी एक दिन पंडित के बुलाइए राजा जी कहे पंडिताइन समझाइए राजा जी। काली सैया घरे से आज लेके निकल जा भोर में ऐसे कि हमन के पास पैसा न बिटिया के बिया ना हुई दुनिया ताना मारी। कलेजा फट गया। घरे से निकलल हुन भोर में बाबूजी माई एगो बात और कहली। का कहली? अरे पहिले डगहरिया में जो कोई भेटाई ये राजा, अरे होई के हाथे दीहा बेटी के थमाई ये राजा। अरे पत्थर से करे जवा दबाइए राजा जी, हर कै पंडिताइन बील खाइए राजा जी। कहली कि जे सबसे पहले राह में बेटा जी वही के हाथ अपने बिटिया के धरा के चलिया सूरज उगे से पहले। अच्छा बाबूजी पंडित जी लेके चलल होन, रास्ता में जब सुबह पौ फाटल तो एगो पेड़ पे एगो बंदर कबोए डाल पर सेहो डाल पर बाबू का कलेजा फट गल। अपने बिटिया के भर कवारी में धके रोत हुन। शारदा एगो बात कलस बिरहा में भाव लगल। अरे रोवेली कुमरिया, रोवेली कुमरिया, चरानिया पापा मत रो तू, ये तो हमरे कर्म कमाई का दोष है। एगो बात कलस की हमके जिया वाला गोद में खेला वाला, बनरा के साथ हवा में, बनरा के साथ हवा में हाथवा धरावला, बाबूजी ये ना सोचत हुआ कि हमारी बिटिया बंदर के साथे ना जाई ना बाबू। इतना बात जब बेटी को सुलन बाबू का कलेजा कुछ मजबूत भल। वही बनरा के तरफ कलन कि हे बाबू अपने कलेजा के टुकड़ा के तोहके सौंप के जाती, चाहे इनके दुलही बना के रखिया चाहे ले जाके खा जिया। तेरी से भाव लगल। अरे दोहाई देती बेटी रह गई, अरे दोहाई देती बेटी हो दुखाई देती बेटी रह गई, कलेजा थाम भी प्रबंधर को दिए दिखाई अरे दिखाई अरे मत। अरे दिन भर लड़की पेड़ के नीचे सूर्यास्त का समय रहा दिखा, अरे बड़े प्रेम से आया बंदर लड़की को चला है साथ लिया, अरे वही मंगलिया की अलीशान था, अरे हीरा मोती रहा जरा, तब बंदर से मानो बनी गई ले, बंदर से मानो बनी गई ले, गिरी चरण लड़की भरा है बोल। क्या बात है बाबूजी? वो बंदर शाम भई लेके चलल बा बिटिया शारदा के। वही जंगलवा में एगो आलीशान महल रहल, ले जाके वही महल में घुमावे लगलन। कहलन कि देखा महल के अंदर सब कुछ उपलब्ध है लेकिन 5 गो कोठरी का दरवाजा मत खोलिया। शारदा कलश के सही हम अब तत्वार हम दुल्हीन होगी नहीं, आखिर काहे हमके माना करत हुआ। तब बात कलश पपड़ से भाव लगल। अरे हमें बतावा सैया कुल करनवा का खजानवा बा, तेरा हमें बता सैया कुल करनवा का खजानवा बा, गिरी चरण में बोली है छननवा का खजानवा। पहली कोठरी से दरवाजा खुले लगलन रहल का, पहली कोठरी हाथ से भरी देख गई घबराई हो, दूसरी कोठरी पैर से भरी राइन झरझर नैन बहाई हो तीसरी कोठरी में लोग क्या नया नवा का खजा नवाबा। पहली की कोठरिया में हाथ, दूसरी की कोठरिया में गोट, तीसरी की कोठरिया में आंख, चौथी कोठरिया में का रहल। चौथी कोठरी लाश से भरी देख गई घबराई हो लसिया ऊपर बैठ के लड़की मसिया नोच नोच खाई हो। पांचवी कोठरी में लगल सिंहासनवा का खजनवा बाप हरवा हवा का भी शुरू चुमे चरणवा का खजनवा बाप। बाबूजी कलश की कुल केकर है बतावा आल्हा के अंदर भाव लगल। अरे यही हाथ हवा से जे पराया धन के लूट रियो। अरे उन्हें कहा था रखल कोठरी रे मझारी। अरे माई बाबा के जो कोई लता से मार रनिया उन्हें का गोरव रखल कोठरी रे दरम्यानी। यहाँ थवा जब दुनिया का दौलत लूट के ओके मुँह आ दिला वही कहा था आ जवन बेटवा माई बाबू के लाते से मारेला वही कही गोर हो। तीसर की कोठरिया में आँख के कर। अरे बुरी कटनी गई या देखे बिटिया बहन के जो कोई जबरी सब पापिया करेले बलात्कार। अरे बिटियन के बेच जे कमाल दौलतिया रनिया उन्हें कलसिया पर उनका बिटिया सुन भाई। कलश की जौन जबरी से बिटियन के बलात्कार करने बाबू 7 वर्ष की लड़की के साथ 18 वर्ष का लड़का बलात्कार करेला वही लोगन के ई अखिया को दोष वही लोगन का आँख आ जौन बिटियन के अपहरण करके बेच दिलन वही लोगन के लाश वही लोगन के लसिया पो बिटिया वो करें। पांचवी कोठरी में जौन सिंहासन लगल बा वो एगो बुजुर्ग नेक इंसान काम कैलस आ दुनिया में ओकर जग के नेकी देख करके भगवान के झुके के पड़ल। आखिरी भाव में दुलई कलश की आखिर तू बंदर आला मानो कैसे बेला कल के हम करम है कलश की तब एगो और काम का दाका। गिरि चरण में बोले हमारा सैया हो आँख में आंसू लग के बोला तब जलानवा हमारा सैया हो। अरे कर्म कले खरी बाटे तब महानवा हमारे सैया हो। गुरु बिहारी पत्तू 6 वर्ष सुनंदन पपिहा काशी बुल्लू कहे कि गीता प्रेम करसवा पिहा दुहाई देती बेटी रह गई मस्ताना धर्मचंद सतगुरु चरनिया धाई दुहाई देती बेटी रह। मस्ताना जी मान गई नहीं बाबू मान गई नहीं। गजब गजब क्या कर्मों की बात की है थोड़ा कर्म इनको भी सिखा दीजिए। हाँ। ये तो खाली फल ही का सोचते हैं कर्म तो अच्छा कर रहे हैं। क्या विजय जी थोड़ा पूजा पाठ करें थोड़ा दान वान करें तब न जाके सुंदर कन्या बिठाई उनका मनो पर छोड़बा मत छेड़े लगला तू मंच पर छेड़े तो ना आई। हां ऊ करत है का बोलत अंग्रेजी में इंप्रेस। एक बात बताई ओम प्रकाश जी ये गाय गोरू गोबर से कौन इम्प्रेस होला तनी बताई था। मैंने बाप दादा पुरखा पुरानिया के पूरी प्रॉपर्टी पे चला तैयार है अब क्या करिए अपन जान दे दे हम मतलब लड़की भी पटावे निकलल बाड़े बाप और दादा के प्रॉपर्टी पे तोहरा लगे तोहर कुछ बाकी ना। कुछ ना तू ना निरहु होते तो आज हम बताती उनके। अरे छोड़िए बतासा पूछते हैं की हमारे मस्ताने ने कैसे गाना गाया है। गाना बुल्लू मस्ताना जी बहुत अच्छा गौलन आ गाना के साथ साथ एक्टिंग भी कैलन लेकिन हर गायक कलाकार के हम ये कहब कि टाइम जो उन बतावल बा टाइम के जरूर ध्यान दलो। गाना के साथ साथ बिरहा के साथ साथ अपना धुन के साथ साथ धुन के अदायगी भी कैले बनाना अच्छा लेकिन बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छा बहुत सीढ़ी चढ़े के बाद मेहनत करो टाइम के ध्यान द जा। अब पूछल जाए अपन बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी से कि उनकरा के हमार मस्ताना के बिरहा कैसा लागल है। अंजना जी बिरहा बहुत बढ़िया गौला है लेकिन हम बुल्लू जी से पूछल चाहता नहीं कि इनका मन में कुछ भ्रम बा इतना हाई लेवल इतना ऊंची रेंज से लास्ट में आवत आवत लास्ट का जब खड़ी बोले लगल तो अपने खुद याद पूछा उनका से अपने खुद भर भराए लगल वहाँ तक एनर्जी नहीं जा रही थी। तो हम कैपेसिटी में रहे, हम कितना गा सकते हैं और खूबसूरती से कितना पहुंचा सकते हैं उतना ही गाएं। बहुत ज्यादा ऊंचा रेंज गौले का मतलब नहीं खे, कम रेंज से भी खूबसूरती के परोसल जा सकला बिरहा के माध्यम से। और सब बहुत अच्छा लगल, कहानी बढ़िया है, तुहार आइडिया भी बढ़िया है, डांस भी करत अड़ा। अभी नया लड़का हुआ लेकिन हेकर ध्यान रखा या तो कहीं कमजोर ध्यान तुहार भटकल बा, ज्यादा इंटरनेट पर लगल बड़ा, तैयारी नहीं खा करत, आ नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा कि हम कहीं से गा दे, एक के भुला के आ बढ़िया से गौला काम बा। क्या बात है, यहाँ गुरु मंताज के एक अपना पॉकेट में धर ल और ध्यान रखिया। अब जाके बैठा अपना चुनौती गृह में, ब्याह हो गइल बा तो हमारो सेटिंग हो जाते बाबू जा। भैया भैया, हाँ बोला भैया, अब केकरा बोलावल जाओ? हम तो कहब कि वो धरती से, हाँ, और वो गायिका के बोलाई, हाँ, जौना धरती का नाम खाली हिंदुस्तान में ना विदेश में भी बा, मऊ के नाम से धरती जानल जाले। अरे बाप रे, आज जहाँ का गवैया रहे बालेश्वर जी, हाँ, राय 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 राय। तो बालेश्वर जी के वो मऊ के धरती से आयल बाड़ी गायिका मीनाक्षी भारद्वाज। चलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं मऊ की मीनाक्षी भारद्वाज का। अरे सृष्टि बनाने को आतुर विधाता, अरे शंभु और विष्णु परम ज्योति पाए, ब्रह्मा विकल थे बनाऊं जहां को, और अपनी नजर तब हृदय में जमाए, अरे सुंदर सुताय की पराक्रम से प्रगटी, अरे यौवन मधुरताओं को देकर सजाए। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवता मिलके ध्यान मग्न बैठल हो सृष्टि का रचना करे खातिर। ब्रह्मा के तपोबल से एगो लड़की पैदा भइल, जो ने लड़की का नाम सरस्वती बतावल जले। ब्रह्मा जी जब वो लड़की के देखल तो मोहित हो गई, तो कहल गई अरे हुआ है मोहाकुल, अरे हुआ है मोहाकुल, अरे निशाना विधि का, हुआ है मोहाकुल निशाना विधि, हुआ है मोहाकुल। अरे कामुक हुआ, लेकिन जब ब्रह्मा जी का नियत देखलस समझ गई कि ब्रह्मा जी का मिजाज गड़बड़ाई गई, दो कदम पीछे लड़की हटल, ब्रह्मा के समझा के एक बात कह दिया, सर कलाई लगल हो। लजाती कन्या देख पिता के ई मनवा हो, लजाती कन्या देख पिता के ई मनवा हो, इधर चतुरारन व्याकुल मान नाही मनवा गो, कही सुता की ताती काहे तू पगलाइल बाड़ो, कही सुता की ताती काहे तू पगलाइल बाड़ो, प्रगट जतन से कई के खुद ही लोभाइल बाड़ो, इशारा देव की सृष्टि को बनाने बदे, इशारा देव की सृष्टि को बनाने बदे, पागल शरीर हुआ तमाशा को दिखाने बदे। हाथ जोड़ के लड़की खड़ी भइल हो, ई का करत हो पैदा कैला आ खुदे नजर अपन गंदा खिंचात हुआ। उ लड़की समझा के ब्रह्मा जी के कहलस, जब ब्रह्मा जी ना मानल हो तो फिर वह लड़की ब्रह्मा जी के ठो बाज कर दिल तो गीत लगल हो। कोनो नई नवेली दुल्हन अपने दुल्हा से कहत हो, तरी सा हमके घूमे के मन करत हो। दुल्हा समझा के अपने दुल्हन से कहले, का कहले हो? अरे नाया नोहरिया भी कनिया बड़ू, अरे मेला देखे के बड़ा दूधी पहले बड़ू, झूठो के डलबू गोरी, झूठो के डलबू गोरी, हमरा के गोरिया भूला जैबू मई घरी के मेला में, गोरिया हेरा जैबू मई घरी के मेला में। लेकिन जब ब्रह्मा जी ना मानल हो तो लइकिया कह देले हो, का कहले हो? अरे काहे ई मनवा मानती नहीं है, अपन बेटी पहचान की नहीं खे, सृष्टि बेकार खोई, सृष्टि बेकार खोई, ऐसे पगलाई के नक्शा बिगड़ जाई तुहरी खुदाई के, नक्शा बिगड़ जाई अरे तुहरी खुदाई। तहिया सगरो जमाना रिश्ता यौरी नाता के ना मिली है ठिकाना, अरे दूसर उपाय को न कल हो दाता, अरे तबे तो दुनिया कही विधाता, नक्शा बिगड़ जाई अरे तुहरी खुदाई के। जब ब्रह्मा जी समझौले की बात भी ना मानल हो, जब वो लड़किया की तरफ बढ़लन हो तो लड़की क्रोध में आके आंख बबूला होके वो ब्रह्मा जी के श्राप देले हो, देरी में कहल गई। अरे पूजनिया तू हरो जग में ना होई, अरे पूजनिया तू हरो जग में ना होई, माने विधि नहीं तब बोल पड़ल बबुनिया, जरे बबुनिया, जरे बबुनिया। ब्रह्मा जी ना मानल होन, क्रोध में आके वह लड़की श्राप देले हो, आज के बाद से इस संसार में ब्रह्मा नाम को केहू पूजा ना करी। ब्रह्मा जी होश में अल, हाथ जोड़ के खड़ा भइल, कहल गलती हो गई, हमें माफ कई दा। आ जब माफी मांगत हो तक गीत लगल हो, बसंती चीज हतन बजाई के। और आईली बसंती अरे उड़े लगर दीर मोरी, ऐसा नहीं मौसम हो जौन मौसम में न रजाई का काम लगेला, न एसी का जरूरत पड़ेले। चिड़ई से लेके पंछी इंसान सब है खुश रहेला। तक कहल गई और आईली बसंती अरे उड़ेला गरदीर मोरी, अरे देहिया भइली बा और प्यार किया दे हवस तब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़ा हो कहत हो का कहत हो और श्राप सुनते विधि के होशी अरे आई गईले हो तबले अरे पाप के तूफानवा अरे बुताई गईले हो तबले पाप के तूफानवा अरे माफ कर देवी आज हमारी नदानी अरे लेला बरिदान तू हके अरे दुनिया हो जानी और झूठे काम को होके मनवा अरे लोभाई गईले हो तबले अरे पापू के तूफानमा अरे बुताई गईले हो तबले। ब्रह्मा जी खड़ा हो गलती से तू हमके बचाए ले हम वरदान देते तो के आज के बाद से दुनिया तुहार पूजा करी लोग तुहार पंडाल सजाई के जागरण करी लोग तो के पुकारी साम वेद का तू देवी कहल जेबू। ब्रह्मा जी चार वेद का रचना कैलो हो तो कहल गई आखिरी गीत लगे कौनो मेहरा रूप होने पर अपने मर्दे से कहती और फेंकी दे लवना फोड़ दे चूल्हे और छोड़ी दे तू घरी घरी सैया अरे चैता में आवा ना तो अरे जाइबू नहीं हाथ। लेकिन ब्रह्मा जी चार वेद का रचना जब कैला तब भाव में कहल गई और चार वेद तब बना के दाता अरे दे देला सतिकार होई अरे दुनिया में पूजा अब तो बिटिया तुहार होई दुनिया में पूजा अब तो बिटिया तुहार दुनिया में पूजा होए बिटिया तुहार गुरु गणेश बीड़ा मोह सब पंचमी के दिनमा मीनाक्षी करती जमाती साथ अरे लोगवन के गुणगान होई तो दुनिया में पूजा अब तो अरे बिटिया तुहार होई। दुबला पतला इतना मतलब बिरहा के लिए तो विजय जी बहुत ताकत चाहिए होती ना, यहाँ से तो बोला नहीं जाता इतने ताकत के साथ इतनी लाउड आवाज में कैसे और इतना सुंदर माँ सरस्वती जी के लिए आपने गाया, मतलब कैसे? मैडम बस ये तो माता जी का देना, वो तो है, वो तो है, माई की कृपा, माई के। तो आइए चलते हैं। हाँ बाबू बोलो। ओम प्रकाश भैया तरवा लोग ही बता दी कि कैसन लागल है इनका कलाकारी, बहुत सुंदर लागल है, बहुत सुंदर प्रस्तुति रहल है। अंजना जी पूछा तड़ी कि विजय जी बिरहा खातिर तो बड़ी ताकत चाहले। हाँ। मनोज भाई का शरीर देखा बतासा का। हाँ। अंजना तू अपन शरीर देखा, बहुत शरीर भैला से स्टेमिना कोनो लेना देना ना। हां महाराज हमार बेइज्जती कर, बहुत सुंदर लड़की गोली है, इनके स्वर में खनक बा और रियाज करस, माता पिता का नाम रोशन करस, भोजपुरिया समाज के जीवंत रखस, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। चला पूछल जाए अपन ओम प्रकाश यादव जी के कैसा लागल हा? मऊ के धरती से बाड़ी, इनकर गायकी बहुत अच्छा लागल हा। जहाँ तक एनर्जी के सवाल बा, एनर्जी कौना काम में ना लगला, हर काम में लगेला, नाचे में उतने एनर्जी लगेला, डांस करे में उतने एनर्जी लगेला, वो दुबला पतला से कोनो मतलब नहीं रखत, एनर्जी होके के चाहिए शरीर में। बहुत बहुत धन्यवाद बाटे, थैंक यू, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मीनाक्षी जी आप अपनी सीट पे बैठ जाइए। साल में जितना भी मौसम होला ओकरा में बसंत सबसे मनचाहा मौसम होला, हमसे ज्यादा के जानी, हर बसंत में हम बस का बताएं, बिया है चिल्ला। तो बाबू फूलों में बहार आ जाला, सरसों में सोना जैसे चमके लागेला, और गेहूं का बाली खिल जाला और हर तरफ रंग बिरंगी तितली मडराए लागेले। वाह तारा जैसा। मैडम जी एगो बात पूछी। पूछा। रउआ कबू प्यार कइले बनी? प्यार? हाँ हाँ, हम प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ी नहीं, काहे के इ प्यार में ना ना जाने कितना धोखा होला कि धोखा ओखा खाए के अबे हमार उम्र नहीं खे। अरे मैडम हे अंजना जी रउआ पता नहीं की जे करल इश्क उ रिस्क लेवे से कभो ना डरालन। यह नाते जीवन में मोहब्बत करे वाले के रिस्क लेवे से पीछे ना हटे के चाहिए। देखा ना गावे से चल जानी बम्बई रिस्क लेके अंदूला इन तो मिले ना गुरुजी। जरूर मिली लागल रहा जाने केकर किस्मत फूटल होई। तो बता सा जी चल पूछल जाओ। हाँ। अपन बादशाह ओम प्रकाश यादव जी से कि वो केकरा के चाहता रहा कि अगला परफॉर्मेंस दे आके। अब की हमारी विचार करता सरोज सरगम जे कर नाम बा, सरोज और सरगम दोनों वही के बोला के तनी देखल जाओ कि कैसन बाड़ी। तो दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं देवरिया की सरोज सरगम जी के। हे बाबू जी सर तब बिरहा में तू भर दम दम कि जहाँ सब देखा वाल का भुला जाए सारा गा। मुंगेर जिला के रंजन गांव के रहे और रंजनपुर गांव के रहे वाले बतावे पर भूमिका से बताए पर मास्टर। आए गरीबी अधिक दुर्दशा अब न कर, देख तुझको गगन डगमगाने लगी, चांद तारों से महफिल उजड़ती रही, बदनसीबी भी महफिल सजाने लगी, धन्य रे दुनिया तेरी ये करुण कल्पना, आज फूलों पे पत्थर गिराने लगी। गजल से बढ़िया भाव में कवि जी लिखे पल कैसे मास्टर। एक लाइन बताइए दे दी। अपने माँ बाप का तू, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, लेकिन भाव में बतावे के पड़ल, मेरे मौला गजब संसारी को बनाया है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मेरे मौला गजब संसारी को बनाया है, भूल की दुनिया को परे तले बिछाया है। कहानी के शुरुआत में नज़म से बताओ एक पल मास्टर। हम कहली कि गरीबी ऐसा होले गरीब इंसान ओ मालिक से फरियाद कर बतावत बा कैसे, तेरी एक भूल से बंजर मसान होता है, कहीं सहनाई कहीं गम में कोई रोता है। बिटिया कंचन 5 साल की उमरिया में, सुख ब सपना दुख मासूम की नजरिया में। मुंगेर जिला के रहे वाले कंचन रंजनपुर गांव के शंभू यादव इतना गरीब की समय से भोजन नसीब ना होत बा। परिवार में एक बेटी बिटिया के नाम कंचन और पत्नी के नाम सविता यादव बतावे के पड़ल। सविता यादव अपने गरीबी के देख के बीमार पड़ गई। हमार सैया रिक्शा चलावेलन, लेकिन सविता यादव अपने पति देव से एक बात बतावत बड़ी। गीत लागल, कवन गीत मास्टर? गीत से बढ़िया भाव भाव में गुरुदेव देह के पड़ल। पत्नी बतावत है कैसे, धई के चरनिया के कहली मयनिया सुना सजना हमार, धई के चरनिया के कहली मयरिया सुना सजना हमार, हम तो हो गई लाचार सुना सजना हमार। गई लाचार सुना सजना हमार। आवाज लिखे स्वामी, अब हमें दावा जिन कराई, अब हम बचम ना, आप साथ आपका छूटत बा। ये सविता अरे पागल है रे, हमार बिटिया देख तोर बगल में बैठ के रोवत बा। इतने में सविता यादव अपन दम तोड़ देली, लेकिन कंचन माई के पैर पकड़ के रोवत बा। गीत बदल गल, कवन गीत बा मास्टर? रोवेली कंचन धई के, अरे रोवेली कंचन धई के माई के चरनिया रामा, घीर के रवत बा। लेकिन शंभू यादव अपने बिटिया के समझावे लगलन, बाबू समझावे लगले धीरज धरावे, बाबू समझावे धीरज धरावे, बेटी के उठा के अपने छाती से लगाए रामा, छाती से लगाए, धारा बीच डूबी गईली हमारी नेवरिया ये रामा। शंभू यादव समझावे लगन, लेकिन अपने पत्नी के लाश के लेगलन गांव के लोग सहारा दिया। अपने पत्नी का अंतिम दाह संस्कार कैलन। धीरे धीरे समय बीतल, कुछ साल बीत गई। शंभू यादव फिर से वही काम करने लगे, रिक्शा चलाने लगे। लेकिन रिक्शा चलावा चलावा शंभू यादव टेंशन में पड़ के बीमार पड़ गईलन। लेकिन कंचन कैलस का सोठी बतावे के पड़ल, बाबू के दवाई खातिर भाटा के बबुनिया, अरे भाटा के बबुनिया हो गईले एक से खादी बेटायन मुरा, चाय की दुकानी या पे दीगा ले नौकरिया, अरे दीहा ले नौकरिया हो नैया के बनले पतवार राम। कंचन भीख मांगे लागल, मांगत मांगत एक चाय के दुकान पर गई। चाय के दुकान पे बाबूजी जब देखलन, अपन पिता समान जब देखलस, बाबूजी देखलन अपने पास बुलावे लगलन। कंचन गई, अपन पूरा गरीबी बतौलस। वही शेर जी अपने दुकान पर रख लेलन। कंचन झाड़ू पोछा के काम करे लागल। यहाँ तक शेर जी शंभू यादव के अपने दुकान पर ला करके दावा पे दावा चलाने लगे। लेकिन कुछ दिन बीतला के बाद शंभू यादव ये दुनिया के छोड़ करके चले गए। बेचारे गांव के लोग शेर जी शंभू यादव का अंतिम दाह संस्कार कैलन। कंचन वो गम के भूल गए, प्यार पौलस शेर जी के। वही दुकान पर रहे लागल, लेकिन वही दुकान पे एक दरोगा जी जेकर नाम अविनाश यादव बतावल गई, वही दुकान पे आवे लगलन कंचन से नैना चार हो गई, प्यार हो गई। कंचन से बतावे लगन, हे कंचन हम तोरे बगैर रह ना पाइब रे, चल तू हमरे साथ है, लेकिन तेरी बतावे पड़ल कैसे। पपनिया बन समाइल दोस्ती, अरे पपनिया बन समाइल दोस्ती, हरदम दिल दिमाग में नाचे कंचन रमिया यार हो रमिया यार हो रमिया। दरोगा जी कंचन के अपने रूम पे ले गईलन, जवन ना करे के तवन लोग कहल कंचन यहाँ तक माँ बने वाली हो गई। जब दरोगा जी कुछ दिन बीतल, कुछ महीना बीतल, जान गए कंचन माँ बने वाली बात, दरोगा जी अपने रूम से धक्का मार करके निकाल दिए। डांट करके वो देखे कंचन तू चली जा। कंचन निकल गई लोग घर से, बहुत दूर गई, लेकिन एक मंदिर में जाकर रो के फरियाद कर बतावत बकैसिया हम बतावे कुल मास्टर। नारी के जनमवा होला गजब दुनिया में भैया, लोग कला जगैली अब समाज में लुटा। कंचन वही मंदिर में दिन बितावे लागल। एक बेटवा के जन्म 10 बचवा धीरे 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 5 वर्ष के हो गई। जब भीख मांग मांग अपने बेटवा के परवरिश करत बा, लेकिन बतावे के पड़ल। एक दिन रोडावा पे मांगत रहली भिखिया भैया, तब ले एक्सीडेंट भइल बचवा ते बारी। कंचन बचवा के लेके भीख मांगत बा, तब तक एक नौजवान कोई मुन्ना के एक्सीडेंट करके चल गई, वो सूरज के एक्सीडेंट करके चल गई। कंचन पागल हो गई, चौराहे के लोग ले गई, चौराहे पर लेके लोग वहां से लोग हॉस्पिटल गए, चौराहे से गाड़ी पकड़ के हॉस्पिटल ले गई। जब दरोगा जी बात के सुनलन कि कोनो लावारिस औरत के बचवा एक्सीडेंट कर गई बा, अपने पूरा बटालियन के लेके गईलन। जब पूरा बटालियन के लेके गईलन, घड़ी बतावे कुल कैसे। नारायण की धरती पर गजब के लीलवा, तो जेकरा नाम पे बनल बाऊ मंदिर के किलावा। देखी के दरोगा जी के सिहरल बदनिया हो, अखिया में नाचे लगली चाय की दुकनिया हो। कुल की दरोगा जी के भई ललीलवा, जेकरा नाम पे बनल बाऊ मंदिर के किलवा। दरोगा जी कंचन के पास गईलन, गले में गले जकर ली, अपने बचवा के लेके एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दिलन। लेकिन अंतिम कड़ी बतावे पड़ल कैसे। गुरु बिहारी गुरमन श्याम सुभाष की बलिहारी, कथन किए कभी मिलन की लहरे फूलवारी। पपनिया बन समाइल दोस्ती, तो सरोज के रथिया के हाँ के ली जोगिनिया। पपनिया बन समाइल दोस्ती। बहुत सही, बहुत बढ़िया गाया। गजब। जैसा नाम वैसा परफॉर्मेंस। कि थोड़ी देर पहले ना हमी चाचा के बतासा के यह कहत रहनी है कि प्यार व्यार ना करे के चाहिए, प्यार में धोखा होला, और तू जो गौलू है ओहू में यही संदेश रहे। बतावा हम कुछ गलत कहत रहनी है का? ना अब बोला का? आप बोली ए बतासा भाई, हाँ। ई गड़बड़ी लागे लागल, इनके के समझावे, जले पे नमक छिड़कता नहीं। अरे जब प्यार में जब तकलीफ होला, जब मुसीबत होला, दिन रात हम रोवतानी। अरे प्यार करबू तब पता चली, जब प्यार करबू ना तब गईबू किनारे बैठ के एकदम सैड सॉन्ग जायदा। अरे हे भैया, ये पत्थर दिल है, ये तो हर दर्द देख के, हाँ ये हमारे कलाकार भी काली से कुछ दर्द में हो। कुछ कर दे बाबू हमारे बारे में, ये पत्थर दिल समझी नहीं, ये समझते नहीं क्या हमारा प्यार के हम निराहू का क्या बताई, पता ना कहाँ समझा बुझा के भेजले हमें। तू ही बताओ भैया कुछ। बतासा कलाकारन के लगा दो, अंजना जी के मना दो इसमें। तय बाबू तनी सोचा हमारे बारे में ठीक बात यानी धीरज धरी। चला पहले पूछल जाए कि सरोज सरगम जी के परफॉर्मेंस अपन बादशाह ओम प्रकाश यादव जी के कैसन लागल है? बहुत अच्छा लागल है, लेकिन अब ही बहुत तैयारी की जरूरत बा। कहे कि अभी पहला सीढ़ी है, अभी कई गो सीढ़ी चढ़े के बा, बहुत तैयारी के जरूरत बाटे। हमार शुभकामना बा। चला पूछल जाए अपन बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी से कि सरगम के परफॉर्मेंस इनकरा के कैसा लागल है? अंजना जी देखे में ना लगत रहा कि सरोज सरगम ऐसा गई हम, लेकिन एक एक लफ्ज एक एक शब्द में एक एक अंतरा में और बाड़ी में इतना कशिश रहा, बड़ा खूबसूरती से पेश कैली। तो बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। सीखे खातिर तो पूरा जिंदगी बा, जब तक आदमी धरती पर जिंदा बा के सीखई के बा, लेकिन इतना कम उम्र में इतना बढ़िया से खूबसूरती से आज समय के भीतर गा के कार्यक्रम खत्म कैलिए। एकरा खातिर बहुत बहुत बधाई। क्या बात, बहुत बहुत ताली बाबू। ऐसे गात रहा हाँ और तरक्की करत रहा, सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़त रहा। तो बता देनी हरुआ कि सीढ़ी पे सीढ़ी चढ़ा, हम कितनी सीढ़ी चढ़ब के जाके हमके हमार ब्याह होई, कूद के मर जाई का। अब तू अंजना जी से पूछा। हेलो बोला, कुछ सोचा है आपने? कितना बार बोली कि हम सोचा था नहीं, अभी सोचली नहीं खे। तो सोचा काम सोचा, करा सोचा सोचे हाँ। खाते को टाइम देता नहीं हाँ। तो बतासा हाँ। बतासा के चेहरा पर निराशा ये काहे? तका करी नाची। शादी खातिर तू हमारा देखे आयल बाड़ू, लेकिन तारा हमारे में भरोसा नहीं के कैसे जीवन आगे बढ़ी। ऐसा कोनो बात नहीं है, इंसान तो तू बढ़िया बड़ा अच्छा, लेकिन पेट से थोड़ा मोटा बड़ा, लेकिन मोहब्बत नसीब के खेल हाँ। और कर्म के फल होला। बारे बार। तो चलिए पूछल जाए अपन जज से कि वो अब केकरा के मंच पे बुलावे के चाहता है। हाँ भैया के बुलावे का वा? केकरा के उतारल जाओ तू ही बतावा तनी। हम तो सोचे तनी अंजना जी पंकज पुजारी का उतार दिया जाओ का है आज। हमारो मन ये रहल है। बहुत बढ़िया। ये एपिसोड में जो शुरुआत कर जात बा कलाकार के, पंकज भी हुआ ना पुजारी भी हुआ। अरे बाप रे बाप, क्या बात है। उनके से शुरू हो। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं पंकज पुजारी जी का। आओ बाबू आओ, स्वागत बा पंकज बाबू। हे पंकज बाबू, तारा बारे में एगो बात पता चलल बा का? पता ही चलल हो कि तहरा जन्मदिन पे तोहार बाबूजी तहरा के गिफ्ट में स्कॉर्पियो कार देले बड़न। अच्छा बड़ा नसीब ताज चौचक बा। तो एगो बात बताओ, हम ही जहन चाहतनी कि शादी के बाद तू अपन पत्नी के उपहार में का देवल चाहबो? पत्नी के तो भाई तो हमार शादी है ना भाई, आज न तो बिहान तो होबे न करी। तो हम पूछतनी कि शादी के बाद तू का देबो? उनका के कुछ दे दे, लेकिन लेब ना। इस बात पे तो तालियां बनती हैं। ए बाबू देखा, हमार जिंदगी तो कुआरा में सूखे संट बीतत बा, तू देर मत करी हो, जैसे मौका मिले फटाक से लपकली हो। घरहू से 1 लाख 2 लाख देवे के पड़ते दे दियो, लेकिन कह लिया जरूर ना। तो भैया ना हम बता दे चाहती, इतना बड़ा मंच फिर मिली ना हाँ। करोड़ों लोग देखत हुए, शादी तभी भइल ना, अगर होई तो 1 रुपया भी दहेज ना ले। वाह वाह वाह, बारे बाबू वाह। यही कहे के बाद कि हर घर में पंकज जैसन बेटा होके के चाहिए, तो दुनिया से दहेज के नामो निशान मिट जाए। पंकज के सोच खातिर एक बार जोरदार तालियां भैया। वाह। तो पंकज का मतलब होला कमल है भैया, और खिला दा बिरहा के दंगल में अपन कमाल। तालियां पंकज के लिए। आइए प्यार जब उमड़े लायन, अरे आगे जिंदगी में बसन, प्यार के साबित कैल शकुंतला दुष्यन। जैसे बतावल गईल, ये संसार में कुछ भी होला तो वो मालिक के देन हो। एक बार राजा दुष्यंत शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंचे और जब जंगल में गयल हुवन पियास लगल कण ऋषि के आश्रम में पहुंचलन, पानी मंगलन। जब एक सुंदर खूबसूरत कन्या एली, देखलन नैनाचार भइल, नैनाचार भयल, प्यार भयल। जब प्यार भयल तो उन्हीं लोग के प्यार का निशानी भरत पैदा भइलन। अब भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत भइल। बारह मालिक और का बनौला ये धरती पर। कैसे मास्टर? सबसे हाथ जोड़ के आगे रहते गौर करिए, कुछ अलग चीज हो। जिसने सारी सृष्टि बनाई, दिव्य या लौकिक सुंदर, जिसने सूरज चाँद बनाया, झरना झील समुंदर, उस मालिक को मेरा सत सत नमन, उस मालिक को मेरा सत सत नमन। क्या बात है, जियो जियो मालिक। जिसने सूरज चाँद बनाया, झरना झील समुंदर, बारे मालिक के तनी ऊंची लाइन हो। अगर आप लोग अपने घरे दुआरे बल्ब जलावेला, टीवी चलावेला, पंखा चलावेला तो कर रुपया लगला, कर लगला, जा करके पावर हाउस में बिजली विभाग में जमा करे के होला। लेकिन मालिक भगवान ये संसार बदे ऐसा बल्ब दिहलन सूर्य के, चाहे अमीर होखा चाहे गरीब होवा, चाहे महल हो चाहे झोपड़ी हो, सूर्य उदय होता है एक समान सबके कहे प्रकाश जला। जला ना भैया, सबके कहे एक समान प्रकाश दिया मालिक। अजब उपहार दूर करता है जो अंधकार हो, रंग भरता है भरता है भरता है, रंग भरता है सृष्टि में भी। एक सूरज यह चित्रकार हो, एक सूरज यह। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा दयालु है वह मालिक, बड़ा दयालु है वह मालिक, कभी नहीं कुछ लेता, नहीं उसकी नियति है, देता है बस देता। उस मालिक को मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। बारे भगवान और का बनौला। धन्य धरती धरती धरती, धन्य धरती की बलिहारी है, यह बसा जिस पे संसार है। क्या बात है, बारे भैया वाह। संसार है, इस संसार पूरा धरती पर एक रुपया करना हो। क्या बात है, करना कोई कभी मांगती, यह भी अनमोल उपहार है। कभी मांगती के दामन में भरा, जिसके दामन में भरा है अन्न धन का भंडार, चीर के सीना देती रहती साथ सदा भार। उस मालिक, उस मालिक, उस मालिक मेरा सब सब नमन, मेरा सब सब नमन। चाहे सोना हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, अन्न धन यही धरती से हो, लेकिन आजकल लोग बिस्सा बिस्सा बेच देते हो। बारे मालिक सारी नदियों नदियों नदियों, सारी नदियों में जल भरी दिया। अगर आप मार्केट में जाएंगे भैया बाबू लोग जे भी सुनत हो, 20 रुपया लीटर पानी मिलेला, ओकर 20 रुपया दाम हो, लेकिन भगवान गंगा जी भरले हुआ, पोखरा भरले हुआ, समुंदर बनौलन, 100 रुपया कर ओकर हो, हाँ 1 रुपया कर नहीं है। सारी नदियों में जल भरी दिया, कर दिया काम मालिक महान हो। कर दिया काम, अरे क्या जीव जंतु पशु पक्षी, क्या जीव जंतु पशु पक्षी और भला इंसान, सभी जीवों को सुख देता है मालिक एक समान। उस मालिक को, उस मालिक को, उस मालिक को मेरा सब सब नमन। उस मालिक को मेरा, आखिरी लाइन, ज्यादा समय ना, समय भी निर्धारित हो का, ये शरीर भी मालिका का देन हो, पंच तत्व भी है मालिकी की देन, जिससे हम सब की काया बनी हो, जिससे हम सब की काया बनी हो। बड़ी ऊंची लाइन हमारे कवि जी लिखलन, काया चलती है जिस माया से, उस मालिक से माया बनी हो, उस मालिक से माया। बिन मालिक के कौन करेगा, अरे पंकज यह कमाल, कभी संजय सिंह पुरी सुरेश, अरे गब्बरी भैयालाल। उस मालिक को, उस मालिक को, उस मालिक को मेरा सत सत नमन। उस मालिक को मेरा सत सत नमन। उस मालिक को मेरा, मालिक को मेरा सत सती नमन। तो कैसा लगा पंकज बाबू का बिरहा? बिरहा के सुल्तान विजयलाल यादव जी, कैसा लगा पंकज का परफॉर्मेंस? प्रस्तुति बड़ा सुंदर रहा। एक लाइन जवन वो गीत में रहा लिया कि उसी ने सब कुछ बनाया है, पहाड़ भी बनाया है, हवा भी वही दे रहा है, नदियों को वही दिया है, समुद्र को वही दिया है, सृष्टि का संचालक वही है। उस मालिक को मेरा सत सत नमन, यह लाइन बड़ी अच्छी लगल हमनी के। आज जितना लोग सुनता वह लोग के अच्छी लगल हुई, एकरा खातिर तारा के बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा तरफ से बधाई। वाह क्या बात है, कमेंट्स तो बहुत अच्छे आए। तो आइए चलते हैं अपने बिरहा के बादशाह ओम प्रकाश जी से पूछते हैं कि उनको पंकज का परफॉर्मेंस कैसा लगा? बहुत अच्छा गौल हम पंकज, जो उन पहले हम बतौले रहनी सबका के वो बात पर हर गवैया ध्यान दे। बहुत ऊंचा आवाज में गा दियाला से बिरहा ना हो जाला। अपन जितना आवाज बा आवाज के अनुसार बिरहा गावे के चाहिए। धन्यवाद बा, बहुत बहुत तारा साथ शुभकामना। पंकज बाबू बहुत बढ़िया। अरे पहाड़ एकदम फ्यूचर बड़ा तगड़ा हो। आप जा बैठा तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए पंकज के लिए। कुछ बुझाइल पंकज से। हाँ। पंकज के पापा ता उनकरा के स्कॉर्पियो दिले रहे। हाँ। हमरा के हम तो हीरोइन मानी, स्कॉर्पियो में कुछ ना हो हमार। एक बेर खाली हाँ करके देखी। मुर्गी मुर्गा छेड़ी भैंसा गोरू कुल बेच दे। खेत बारी कुल बेच दे। एक करेला वरेला निकाल के तेरे सामने रख दे, कसम भगवान की। एक बार खाली हाँ करके तो देखा। पहले तो गाड़ी के नाम बतावी, गाय गोरू गोबर और तिल ताड़ के हम का करब। अरे कहत रहनी गाँव हमारे बकरी, हाँ, बकरा, हाँ, मुर्गी, हाँ, बैल, हाँ, भैंस, हाँ, जतरा बानू, हाँ, सब बेच दे। हाँ, बम्बई में जहाँ कहबू वहाँ बढ़िया बंगला खरीद दे। चलो ठीक बा, सोचिम, सोचिम, हाँ, सोची सोची। भैया ये सोचा तानी हम कुछ बोलत तानी। हम एक बात याद रखब कि हम अपन करेजा निकाल के रख दे। तब बिरहा मुकाबला के जे भी विजेता बनी उनका बिरहा सम्राट के खिताब और पगड़ी के साथ ही बिग गंगा की तरफ से मिली पूरा 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 1 लाख के इनाम। वाह। और आज के एपिसोड के बाद केकरा सुरक्षा कवच के इनाम मिल रहा बा, आई जानल जाए अपन विजयलाल यादव भैया से और ओम प्रकाश भैया से। आज के सुरक्षा कवच का हकदार यहाँ जहाँ हमने का बैठल बनी जा, यहाँ से उठ गईला पर कहीं कुछ हो आदमी बोल दी, लेकिन एक इतनी गरिमा है कि लेके या बचा के चले के बाद बहुत लोग भोजपुरी सुने वाला लोग बात देश विदेश में सुना था, लेकिन हमने का दोनों भाई मिलके यह राय कैले जा कि आज का सुरक्षा चक्र दिहल जा मीनाक्षी भारद्वाज। वाव। अंजना जी। जी। हाँ तब इनके मीनाक्षी जी के आज सुरक्षा कवच मिलल बा, तो अब मीनाक्षी जी आप जाके चुनौती गृह में बैठी और मनोज जी कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। 4 एपिसोड के बाद अब तक देवालाल यादव, ज्ञानी यादव, विशाल दुबे, मुन्ना और मीनाक्षी के सुरक्षा कवच मिल चुकल बा। बिरहा मुकाबला के पहला 4 एपिसोड में हमनी के बिरहा के जश्न मनावत रही। आज के एपिसोड के साथ ही ये जश्न खत्म हो चुकल बा, काहे कि अगला हफ्ता से जंग शुरू होखी, जहाँ से दिखाई अंदाज खाटी, बिरहा में ओकर बाजी लाठी। जेकर सर पर सजी ताज वही बनी बिरहा के सरताज। यही के साथ वक्त बा रउआ सबसे विदा लेवे के, लेकिन जाए से पहले रउआ लोगन से 2 बात बतावल चाहतन। पहला बात यह हमरा बारे में कुछ सोची, और दूसरा बात ई 1 फरवरी से बिग गंगा पर हमनी के मना रहल बानी सबसे बड़ा वसंत उत्सव। ता देखत रही बिग गंगा। फिलहाल अपन बतासा चाचा और अंजना सिंह के दी इजाजत, और देखत रही भोजपुरी या खाटी गीत संगीत के सबसे बड़ा दंगल बिरहा मुकाबला। राम राम जय राम जी के। हमारे बारे में कुछ सोचबू, सुना ना हे राम।